देहरादून की बेटियों ने राज्य का नाम रोशन करते हुए दिल्ली के 26 जनवरी की परेड में डांस करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस मौके पर आज उनकी डांस टीचर सुनल वर्मा ने एक पत्रकार को संबोधित करते हुए बताया कि ये आसान नहीं था, इसके लिए बकायदा उन्होंने 4 राउंड प्रतियोगिता की है और इस डांस प्रतियोगिता का नाम वंदे मातरम नृत्य है और ये केंद्र की ओर से पिछले साल से ही लागू की गई है। इसके लिए 4 चरणों में कंपटीशन हुआ जिसमें पूरे भारतवर्ष से हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि आखिरी पड़ाव में जो 20 दिसंबर को हुआ उसमें भी उन्होंने फाइनल में पहुंचकर हिस्सेदारी की। शाम को जब रिजल्ट आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उस रिजल्ट में यहाँ की 4 बेटियों को डांस करने का मौका मिला है। देहरादून से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार जो हमने परफॉर्मेंस किया था उसमें हमारा जो गाना था, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, वो उत्तराखंड पे ही था। मेरा उत्तराखंड, हर की पैड़ी, 4 धाम, वो सारा उसमें उस गाने में समाया हुआ था और वो ही दिखाया हमने मंच पे और जजिस को वो पसंद आया। तो हमारी कोशिश यही है, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के लोग, अगर हम साउथ इंडियन डांस भी करते हैं तो ये और भी बड़ी बात है कि हम नॉर्थ में रहते हुए साउथ को कम्पीट कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात है। क्योंकि मैम हमारे ही स्कूल से हैं और डायरेक्टर भी हैं हमारे स्कूल की, तो हमने ये प्लान आउट किया है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में हम इस पे और तवज्जो देंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, डांस एक सिर्फ डांस ही नहीं है, एक क्लासिकल फॉर्म आप नहीं कह सकते, बल्कि एक बॉडी और माइंड का बैलेंस है। तो मेरा मानना है कि जिस बच्चे का बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस होगा वो ऑब्वियसली बाकी बच्चों से जो है फार बेटर करेगा। बचपन से इंटरेस्ट तो था बट सही गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत होती है, और जब मैंने मैम को ज्वाइन किया और अभी आप सबको बताया हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे सही गाइडेंस मिली, मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता रहा, मेरे को ठीक नॉलेज मिली और इस फील्ड से रिलेटिंग, और अब हमारे पेरेंट्स और सब रिलेटिव्स बहुत प्राउड है कि हम इस मकाम तक